योगी आदित्यनाथ ने कहा है बबुआ अब न रहोगे घर के न घाट के, क्या करेगी सपा? अब तो ऐलान कर दिया उन्होंने, कहा कि पूरे प्रदेश का अभिभावक मुझे ही चुनेगी जनता। कहाँ जाएंगे अखिलेश? सर जो घर और घाट की बात हो रही है, किसकी घर वापसी अभी अभी हुई है 2 घंटे पहले, ये सबको पता है। और ये चीज़ें कहना, देखिए चुनाव मुद्दे पर होना चाहिए, ये घर और घाट, ये गाय गोबर, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि बच्चों को रोज़गार मिला कि नहीं, मतलब ये है कि भ्रष्टाचार कितना कम हुआ, मतलब ये है कि बेरोजगारी दर क्या है, मतलब इससे होना चाहिए। चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री चुन रहा है इस बार गोरखपुर, हर बार वो सांसद बनते रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, माहौल बदलेगा यहाँ पर। और जो हमारे साथी रोजगार की बात कर रहे थे, एम्स में हजारों रोजगार मिला, फर्टिलाइजर में हजारों रोजगार मिला, चिड़ियाघर में रोजगार मिला, अनगिनत काम हुए। और 100-100 रोजगार भी जोड़ ले तो इस शहर में कम से कम 40 से 50 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, और हर जगह 100-100 भी जोड़ेंगे तो 50,000 आदमी को रोजगार मिला। अच्छा ये बताइए, फाइनल जो आंकड़ा है हमारा उसमें 41%, हालांकि 1% की कमी आई है बीजेपी के इस बार चारों रीजन मिला दिया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के यहाँ के लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश यादव लगातार उनको घेर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गोरखपुर पहले ही वापस घर वापसी कर दी है बीजेपी ने, आपको लगता है घर वापस आ जाएंगे या तो फिर से लखनऊ जाएंगे? अखिलेश यादव वह अपना देखें कहां से वह चुनाव लड़ेंगे, अभी तो श्री कृष्ण भगवान उनके सपने में आ रहे हैं, ठीक है ना। वह अपना सोचें कि सपने में आए हैं तो उनका क्या होगा, वह क्या करेंगे, वह यह नहीं तय कर पा रहे थे हम कहाँ से चुनाव लड़ें कहाँ से ना लड़ें। बाबा जी गोरखपुर आए हैं, एक वोट भी बसपा सपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी पाएगी नहीं, बाबा जी को गोरखपुर क्षेत्र के सभी लोग, जितना भी वोट पोलिंग होगा सब केवल बाबा जी के। बाबा जी सब वोट बाबा जी को मिलेगा, एक को वोट नहीं पाएंगे आप? समाजवादी पार्टी जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि 400 सीटें ला करके उत्तर प्रदेश में 400 ला रहे हैं, ये 400 ला रहे हैं, 400 ला रहे हैं, 40 सीट पाजा वही बहुत है, 40 सीट पाजा वही बहुत है इनके लिए। ये भी कहा है कि तीन सीटें विपक्षियों के लिए छोड़े हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि उसमें भी समाजवादी के लोग यहाँ से निकल लिए और कहाँ से इकट्ठे, उसमें विपक्षियों में भी जो 3 सीटें छोड़े हैं वो केवल भाजपा के लिए नहीं है, ये 3 सीट केवल 3 सीट जो छोड़े हैं वो भाजपा के लिए नहीं है, 400 सीट से बना रही है सरकार सपा। सुन लो मुंगेरी लाल का सीन सपने देखने में मास्क ऊपर नीचे नहीं, मास्क ऊपर, कोई बुरा कोई बुराई नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, खुश होना चाहिए, लेकिन प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के महाराज में की सरकार में जिस तरह से विकास की अनगिनत फेहरिस्त है, उसे 3 सीट दे रहे हैं, ये 3 सीट केवल दे रहे हैं, वो भी बीजेपी की नहीं, पूरे पूर्वांचल में जो है एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलने वाला, खाता नहीं खुलने वाला है। लोग हवा में बात करते हैं, को नहीं मिलेगा सीट। आपसे बता दूं मैं कि इनकी जो है जमानत जब्त हो जाएगी गोरखपुर से, तो मतलब सोचिए भी मत, पूरे पूर्वांचल में एक सीट ये पा जाए तो जो कहिए सो, एक भी सीट नहीं मिलेगी। हम सपने में आ रहे हैं बस, पूर्वांचल के अंदर भी 80% वोट समाजवादी पार्टी के हाथ में जा रहा है, 80%। तो कुल मिलाकर रोमाना देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी लाव लश्कर था लेकिन वो चले गए, अकेले मोर्चा संभाल रहे हैं, कह रहे हैं 403 में 400 जीत रहे हैं, 3 जो छोड़ रहे हैं वो भी बीजेपी के लिए। ABP News आपको रखे आगे।